जी देखें, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपके लिए एक दुआ अमल लेके आया हूँ। सारी जिंदगी आपको कोई अमल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि काम कारोबार शयातीन जिन्नात दुश्मन रिस्क की तंगी रिस्क में बरकत नहीं होना शादियों में बंदिश हर चीज़ के लिए, जैसे कि ज़मीनें नहीं बिकती हैं, घर हैं हवेलियाँ बन गई हैं, ये अमल मेरा पूरा देखें इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज मैं आपके लिए ऐसा अमल लेके आया हूँ जो आप कोई भी कर सकते हैं और हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब है, काम हो जाता है अल्लाह की मदद से। मेरी वीडियो आपको समझ कर देखें, पूरी देखें, और पहले आपने थोड़ा सा सामान लेना है, एक तख्ते की पीस लेनी है। ये अमल किस लिए है, ये घर में जो है रिश्ते टूटते रहते हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, कमाइयों में से बरकत चली जाती है, खबीस जिन्नात शयातीन परगश्ता रूड हैं चुड़ैल काटरनी ये लोग सताते हैं। तो पहले तो कमाई में बरकत, करोड़पति भी हो उसको सुकून नहीं है, सुकून घर में चाहिए आपको। तो आप ये नहीं सोचें कि बेशक हमारे पास तो पूरी यासीन शरीफ है, यासीन शरीफ का अमल है ना, पूरी यासीन शरीफ है, हम तो रोज़ यासीन पढ़ते हैं, हम सुबह भी पढ़ते हैं, हम शाम भी पढ़ते हैं यासीन शरीफ, हम तो पढ़ते हैं, ये दिमाग से निकाल दें। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप थोड़ा दिमाग से सोचें। आपने अगर हो सकता है कि तांबे की कील तांबा बोलते हैं ना, चांदी सोना पीतल तांबा, ऐसे तांबे की कील अगर आपको मिलती है तो ठीक है, बाज़ार में वैसे मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो बा मजबूरी आप स्क्रू आता है सिल्वर कलर का स्क्रू, ठीक है, ये आप दिमाग में रखें, इसलिए मैं बोलता हूँ आप समझे वीडियो को, है ना। फिर आपने क्या करना है, एक तख्ते पे काले पेन से बारीक लिखने वाला पेन से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सामने लिखे या फिर आदाद भी लिख सकते हैं। फिर आपने यासीन को सामने रख के पूरी यासीन शरीफ आपने उस तख्ते पे लिखनी है, यासीन अल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़ रहीम लितुनज़िरा क़ौमा मा उन्ज़िरा बिहिम ग़ाफ़िलून लक़द ख़लक़ना अल-आख़िरा फ़ाहुम ला युमिनून मज़ाला फ़ी नाख़िर मक़लाला फ़ासख़ाल फ़ाहुम मुख़महून वज़अलना मिन बैनि अय्दीहिम सद्दा मिन क़ब्लिहिम सद्दा फ़ाख़शिया फ़ाहुम ला युबसिरून वस्वा'उन अलैहिम अन्ज़ारतुहुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ला युमिन इन्नमा तुनज़िरु मन तबज़िरु ख़शिया इमामुल ग़ैबि फ़बशिरहु बिमग़फ़िरतिन अज़रिन करीम इन्ना नहनु हियल मौता नक़ुमु वसद्दुमु वसरक़ु शैतानु फ़ीमामिन मुबीन, जहाँ मुबीन आता है। आपने पहले पूरी यासीन लिख लेनी है, जहाँ मुबीन आया ना वो मीम के नून के अंदर जो नुक्ता आता है उस नुक्ते के अंदर इस ये कील को मार दे। अब पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ लिख देना है यासीन खुद से हाथ से लिख के, और जब का जब आपने कील मार देनी है मुबीन। फिर अगली बार का जो यासीन आएगा उसमें फिर मुबीन आएगा, उस मुबीन पे भी आपने सातों मुबीन लिख लेनी है, नुक्ता डालना है, फिर ऊपर नुक्ते के ऊपर थोड़ा ऊपर में वो कील मार देनी है, ठीक से तख्ते में लिखना है। इतना मोटा इतना बड़ा हो तख्ता कि पूरी यासीन आ जाए, अच्छा तरतीब देकर जेर जबर नख्ता सारे पेश सारी चीज़ें देख कर जैसा यासीन है वैसा लिखें, बिल्कुल वैसा ही आपने तहरीर कर लेनी है। तहरीर करने के बाद में आपने सातों मुबीन में जो है इसको कीलों को गाड़ के अपने आपके घर में कहीं पर ऊपर मतलब ये जो ये YouTube का बटन लगा है ऐसे नहीं, ये तो वीडियो बनाने के लिए लगा देते हैं लोग, तो हम भी ये ट्राई कर रहे हैं। आपने थोड़ा ऊपर जैसे कि घुसते वक्त या फिर घर के सामने जैसे कि ड्रेस में हो, कोई भी कर सकते हैं ये, तो वो लगा दें आपका तहरीर किया हुआ। सिर्फ काले पेन से सात स्क्रू ड्राइवर स्क्रू चाहिए या फिर तांबे की अगर कील मिलती है तो मुजरब है, उसको आप रख लें। तो ता हयात जिसने जो लिखा है उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह ता उम्र कोई चीज़ की तंगस्ती नहीं होगी, ना मोहब्बत की, ना रिज़्क़ का वाखा, ना फाखा, ना तंगी, ना दुश्मनी, कोई भी चीज़ अल्लाह का करम उस पर नाजिल हो जाएगा। कुरान शरीफ जो यासीन शरीफ जो कुरान का दिल है, उस दिल की तहरीर इस बंदे ने खुद से की है, और मुबीन पर ये गाड़ने से यही अमल है, मेख मारने से ही अमल है। या तो आप तांबे की कील गाड़ सकते हैं बीच में, या फिर आप
इसको जैसे कि मामूली कोई भी हो वो उसको मार सकते हैं, मार के उसको घर में रखना है तो बरकत हो जाए। तो एक और अमल है इसी के साथ, जो मेरी वीडियो पूरी देखने का यही फायदा है, लोग क्या करते हैं स्किप करके लास्ट में देखते हैं। अभी सूरह बकरा, शायद सूरह इनाम, सूरह इनाम कहते हैं उसको, सूरह इनाम में 101 से लेकर 102 की आयत को आपने एक तांबे की प्लेट में, जैसा कि ये मोबाइल है ये समझ जाओ तांबे का पदरा में, छोटा 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 बारीक 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 101 से लेकर 102 तक आयत को उस प्लेट में लिखना है तांबे की, और फिर उसको धो देना है उस आयत को लिख के काले पेन से, धोकर वो पानी ले लेना है आपने। वो पानी लेकर घर में जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में उस पानी का छिड़काव करना है। तो ये काम कभी भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने बोला है ये तांबे के 101 से 102 की आयत जो है, ये आपने मगरिब के वक्त में इस पानी को सारी जगह छिड़क सकते हैं, मगर बाथरूम में गंदगी में वहाँ नहीं छिड़के। शैतान खबीस, जिन खबीसों का जोड़ा अक्सर ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि बैतुल खिला, हम टॉयलेट बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, वाशरूम बोलते हैं, कई तरह से संडास बोलते हैं, कई लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, तमाम घर में छिड़क देना है, वहाँ वो चीज़ वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगी। बाहर नहीं आ सकेगी इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अंदर नहीं जाएंगे, क्या वो हमें तकलीफ़ देगी, वो चीज़ वहाँ पर तकलीफ़ नहीं देगी आपको। संडास में जैसे ही टॉयलेट में जाते हैं वहाँ वो तकलीफ़ नहीं देगी। कदीम घरों में जो पुरानी पुरानी हवेलियाँ की तरह हो गई हैं, ये वहाँ पर काम आता है। ये अल्लाह के इस कलाम को लिख कर धो देना है उस तांबे की प्लेट में, उसको धोकर उसका पानी सारी जगह इस्तेमाल करना है, और ये यासीन वाला अमल भी उस घर में रख सकते हैं। तो इससे देखो, मैं आजिज़ हूँ कि अल्लाह के कलाम की तारीफ बढ़ाई करके उसको एक्सप्लेन कर सकूँ ना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप करेंगे, करके आप देखिए आजमाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप सही हो जाओगे तो मुझे तो अल्लाह के फजल से आप लोगों की इतनी दुआएं मिलती हैं, मैं तो समझता हूँ मेरे दोनों यहाँ कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको मेरी तरफ से, आज शायद एक तारीख है, शायद त्याई की तारीख है आज रबीउल अव्वल की, सबको रबीउल अव्वल का चांद मुबारक और महीना मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। जल मिलता हूँ मैं इन चीज़ों को जो मैंने दिखाने का कहा था वो अमल दिखाऊंगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक ये बात पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।